आप सभी सीएसपी संचालकों के लिए N0 डिवाइस से रिलेटेड एक नया अपडेट आ रहा है और यह अपडेट उन सभी सीएसपी संचालकों के लिए है जिन्होंने अभी तक L1 मॉडल का बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं खरीदा है। जिनके पास अभी भी N0 डिवाइस है वो लोग N0 डिवाइस से ही काम कर रहे हैं। बेसिकली बता दें कि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक नया जो गाइडलाइन जारी किया गया था कि 30 जून तक जितने भी N0 डिवाइस हैं वो काम करेंगे, उसके बाद 1 जुलाई से L0 डिवाइस काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ रहा है और खासकर जिनके पास L1 डिवाइस नहीं है उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है ये। और अभी तक आपने अगर L1 डिवाइस बाय नहीं कर रखा है तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी ये राहत भी हो सकती है, क्योंकि देखिए आप लोगों को पता ही है कि L0 डिवाइस बंद होने की लगभग ये 4-5 महीनों से न्यूज़ चल रही है कि L0 डिवाइस बंद हो जाएगा, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुआ है और लास्ट डेट है आज यानी कि 30 जून 2024। तो क्या आज से L0 डिवाइस बंद हो जाएगा? लेकिन आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, कई सारी कंपनियों की तरफ से गुड न्यूज़ आ रहा है जिन्होंने L1 डिवाइस अभी तक नहीं खरीदा है, ठीक है। तो डिटेल से बताने वाला हूँ तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग को और सटीक जानकारी मिल सके। तो देखिए जैसा कि आपको पता ही है कि 30 जून तक जो है कि L0 डिवाइस हमारा काम करेगा, उसके बाद से L0 डिवाइस काम नहीं करेगा, उसके बाद हम सभी को L1 डिवाइस खरीदना पड़ेगा। देखिए ये जो अपडेट था स्पेशली UIDAI यानी कि आधार की तरफ से भी ऑफिशियली आ चुका है कि जो है कि 30 जून तक ही वर्किंग में रहेगा, इसके बाद वर्क नहीं करेगा। लेकिन यहां पर कंपनियों की तरफ से जो है कि एक नया अपडेट आ रहा है। हाल ही में देखिए एक अपडेट आ रहा है कि CSC DGPA के द्वारा एक ऑफिशियल जो है कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जितने भी L0 डिवाइस हैं वो DGPA पोर्टल में 30 जुलाई तक वर्किंग में रहेंगे, यानी कि जिनके पास L1 मॉडल का डिवाइस नहीं है वो लोग अब 30 जुलाई तक L1 डिवाइस यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके पास CSC DGPA होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर तो मान लीजिए ठीक है CSC DGPA की तरफ से 30 जुलाई कर दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपनी है प्राइवेट AEPS पोर्टल हैं कि उनके पोर्टल में 30 सितंबर तक L0 डिवाइस काम करेगा। अब देखिए बेसिकली कंपनियों की भी यह मजबूरी है अपडेट लाना। अब देखिए ये कंफर्म तो कल ही होगा यानी कि 1 जुलाई को कि L0 डिवाइस काम करता है कि नहीं करता है। देखिए वैसे मैं बता दूं कि लगभग अभी तक 70-80% ही CSP संचालक हैं जो कि एक्टिव CSP हैं और साथ में उन्होंने L1 बायोमेट्रिक मशीन खरीद रखा है, नहीं तो 20-30% ऐसे CSP संचालक हैं जिन्होंने अभी तक L1 डिवाइस खरीदा ही नहीं है। तो खरीदने का वजह देखिए ये है कि या तो उनके आसपास के क्षेत्र में मिल नहीं रहा है, या तो मिल रहा होगा तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल रहा होगा, वो लोग सस्ते का वेट कर रहे होंगे कि कब इसका रेट डाउन होगा, ठीक है। या फिर जो है कि उनका जो AEPS का बिजनेस है वो बहुत ही मैन्योर चलता होगा, बहुत ही कम चलता होगा, जिसके वजह से वो लोग बाय नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यही कंडीशन है, यही सिचुएशन है जिसके वजह से प्राइवेट AEPS कंपनियों ने L0 डिवाइस के वर्किंग डे को बढ़ाया है। यहाँ पर देखिए कुछ महीने कह सकते हैं 2-3 महीने तक जो है कि डेट बढ़ सकता है, लेकिन इसके बारे में भी कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि कल 1 जुलाई से भी जो है कि L0 डिवाइस बंद हो जाए। देखिए अभी फिलहाल मैं बात करूं स्पाइसमैन पेनियर बाई, तो ये कंपनियां काफी पहले से अपने रिटेलर लोगों को सजग कर रही हैं। इवन स्पाइसमैन ने तो VIP प्लान भी लॉन्च कर रखा है जिसमें CSP संचालक को L1 मॉडल का जो है कि बायोमेट्रिक डिवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से लगभग ऐसा लगता है कि जितने भी स्पाइसमैन पेनियर बाई के एक्टिव CSP संचालक हैं, जो लोग काफी ज्यादा एक्टिव हैं अपने CSP को लेकर के, ठीक है, उन सभी लोगों ने तो बहुत पहले ही अपना L1 डिवाइस खरीद रखा है, चाहे प्लान के तहत कह लीजिए या फिर डायरेक्टली कंपनी से उन्होंने ऑर्डर कर लिया है, ठीक। तो यहाँ पर जो एक्टिव CSP है जिनके पास अच्छा खासा AEPS का बिजनेस होता है उनके पास तो L1 बायोमेट्रिक डिवाइस हो चुका है, लेकिन जिनके पास जो है कि बिजनेस कम चलता है उनको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर नहीं खरीद रखे हैं तो खरीद लीजिए, क्या पता कल से बंद हो जाए। अब तो आने वाले कल में ही पता चलेगा कि L0 डिवाइस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन अभी तक जहाँ ये अपडेट था, ये जो अपडेट CSC DGPA के थ्रू और कुछ प्राइवेट AEPS पोर्टल के थ्रू ये अपडेट आया है, ठीक है, कि नहीं उनके पोर्टल में 30 सितंबर तक और CSC DGPA में 30 जुलाई तक काम करेगा, ठीक है। तो खैर ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा, थोड़ा सा राहत दे है कि नहीं, आप लोग ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि 30 जून तक ही यानी आज तक ही L0 डिवाइस काम करेगा, कल से काम करेगा कि नहीं करेगा, ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।